इंटरमीडिएट की परीक्षा तुगलकाबाद दिल्ली से प्राप्त की। दोस्तों, जसपाल राणा की शादी रीना राणा से हुई, जो कि एक फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज भी हैं। दोस्तों, इनके दो बच्चे हैं, एक है बेटा युवराज और दूसरी बिटिया देवांशी। दोस्तों, आप देख सकते हैं राजकीय महाविद्यालय नैनबाग टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। तो ये महाविद्यालय है नैनबाग का, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये इसी रूट में है, नैनबाग से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले जसपाल राणा प्रमुख भारतीय निशानेबाज हैं। सन 1994 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेने का सिलसिला इन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, 1995 में कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में जसपाल राणा ने 8 स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। दोस्तों, जसपाल राणा ने अपने शूटिंग करियर में 600 से भी ज़्यादा पदक जीते हैं। दोस्तों, कोचिंग में भारतीय निशानेबाज को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले शख्स जसपाल राणा हैं। जसपाल राणा को भारतीय शूटिंग टीम का टॉर्च बियरर भी कहा जाता है। दोस्तों, जसपाल राणा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं, जैसे 2002 में पद्मश्री से सम्मानित हैं, अर्जुन पुरस्कार, राजधानी रत्न पुरस्कार, ऐसे कई पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किए हैं। उभरते भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, सौरभ चौधरी, अनीस भानवाला, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। तो दोस्तों, इनको विश्व स्तरीय मुकाबले तक पहुंचाने का श्रेय जसपाल राणा को जाता है। तो वर्तमान में जसपाल राणा देहरादून में जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में कोच के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं ऐसे महान शख्सियत के गाँव और आपको दिखाने वाले हैं जसपाल राणा का पैतृक गाँव। मैं इस माटी को नमन करूंगा जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिसने उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस समय ग्राम चिलामू में, जसपाल राणा का पैतृक गांव, और हम थोड़ी देर में ही आपको दिखाने वाले हैं जसपाल राणा का घर और गांव का खूबसूरत नज़ारा। खूबसूरत, और जसपाल राणा के यहाँ पे दो घर है, एक घर आपको ये दिखाई दे रहा होगा और एक ये सामने लकड़ी का, बहुत ही खूबसूरत।
दोस्तों, तो इस समय मैं हूँ ग्राम चिलामू में, जसपाल राणा के गांव में, पैतृक गांव में, और मेरे साथ हैं उनकी दादी जी। तो ये हैं बड़ी दादी जी और ये हैं छोटी दादी जी। तो सर्वप्रथम तो मैं उनसे आशीर्वाद लूँगा और इसके बाद हम चलेंगे घर के अंदर और बताएंगे जसपाल राणा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों, हम जा रहे हैं जसपाल राणा के घर के अंदर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इस समय जसपाल राणा जी के घर के अंदर और आप देख सकते हैं जसपाल राणा जी के घर के अंदर का खूबसूरत नजारा। पूरा घर लकड़ी से बना हुआ है। और हमारे साथ हैं उनकी बड़ी दादी और छोटी दादी। तो हम जानेंगे इनसे कुछ जसपाल राणा के बारे में। तो जसपाल राणा के बारे में कुछ आप बताएंगे, बचपन में कैसे थे या कुछ ऐसे पल। दे हमको मांड बांट दे दो, हमको दे मांड बांट तो खाओ सब के छांस मुंह दे दे जे जवा छांस मुंह तो सब छांस तो पिए फिर गोरा को दादी और चलो काम करने चलो पत्थर खंडा हमें बोली ना तुम्हारा काम सा हम अपने करो सब जाने करो सब मिल चाल के बाद स्कूल तो एक बार आए थे ऐसा ना आए गए करो सेकी तक आ रहा कोई बड़ा तो पा फिर पीछे आए थे कम बार वो जाओ भी वो जाओ भी ना आए थे कम बार पूछना फिर आ जाता है कि ऐसे रहना भी वहाँ के चुपचाप रहना रहो ज़्यादा कहीं से मिलना चलना कुछ ना ही थे अंदर कुछ नहीं है ऐसे बहुत इधर हो कोई कसो बोला गमानी मुझे गमानी मुझे सब कभी जिंदे बन रहो हम घर अभी आला तो हम ऐसा मिलो खूब पाँव में पड़ो सब नमस्ते करो खूब हाथ जोड़ो ऐसे ना जाना तो छोटे से छोटे की बड़े की कुछ ना तो जाना बहुत बढ़िया एकदम से रहो और अभी सुनो। तो दोस्तों, अभी दादी जी ने बताया कि जब वो छोटे थे तो वो बहुत काम करते थे, काफ़ी हेल्पफुल थे और थोड़ा शर्मीले मिजाज के भी थे और सबसे मिलते जुलते थे। और जब बड़े हो गए हैं तो आज भी उनके अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है। जब भी वो गांव में आते हैं तो सबसे मिलते हैं, सबको नमस्ते करते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं। और दादी जी ने एक बात और भी बताई कि बचपन में वो मांड के बहुत शौकीन थे और मट्ठे के बहुत शौकीन थे। तो जब भी उनको मांड या मट्ठा छाछ मिलता था तो वो उसका सेवन जरूर करते थे और दादी से जिद करते थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा मट्ठा या मांड चाहिए। देखो, मांड वो होता है जो चावल से बनता है। तो इसी तरह की कई इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये बैठक है और बहुत बड़ा घर है जसपाल राणा जी का। और यहाँ पे आपको अभी दिखाएंगे जसपाल राणा जी के फोटोग्राफ। आप देख सकते हैं जसपाल राणा और जसपाल राणा के पिताजी नारायण सिंह राणा। आप देख सकते हैं जसपाल राणा के शादी के फोटोग्राफ। दोस्तों, आप देख सकते हैं जसपाल राणा और उनकी पत्नी रीना राणा। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जसपाल राणा राहुल गांधी के साथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में जसपाल राणा अवार्ड लेते हुए मदर टेरेसा द्वारा। दोस्तों, आप देख सकते हैं पद्मश्री से जब जसपाल राणा सम्मानित हुए थे। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त मैं हूं ग्राम चिलामू में जसपाल राणा जी के घर के अंदर और मेरे साथ हैं एक महान हस्ती, उनके दादाजी श्री रणबीर राणा। तो सबसे पहले तो मैं आशीर्वाद लूंगा राणा जी से और
इसके बाद हम जानेंगे। राणा जी, जसपाल राणा, बचपन में कुछ बचपन की यादगार पल है या जो भी आपके साथ जो पल बीते हैं उनके, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाँ, जसपाल जब बहुत छोटा था, जब 4-5 साल का था, तो तभी पहले मसूरी एकेडमी में पढ़ते थे, ITBP पब्लिक स्कूल में। तो हर गर्मी की छुट्टियों में वो गाँव आता था, 1-2 महीने यहाँ गाँव में रहते थे। पूरा जिस गाँव के हिसाब से सभी लोग बिताते थे, वैसे 2-2 महीने छुट्टियाँ बिता के जाता था। जी जी। और उसके बाद हमेशा जब भी कभी छुट्टियाँ आता जाता रहते थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले जो अवार्ड्स उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ये 1994 में इटली से जीता था उन्होंने सबसे पहले जो। हाँ, उस समय 18 साल के रहे। 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया था पदक लेने का। तो इसी तरह की कई इंटरेस्टिंग बातें हैं जो अभी हम जानेंगे दादाजी से, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ नेचर के। जसपाल राणा जी को शूटिंग के क्षेत्र में कैसे जाना हुआ, थोड़ा आप इसके बारे में भी बताएं। जसपाल के जो पिताजी हैं नारायण सिंह राणा जी, वो उस दरमियान ITBP भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में कार्यरत थे जी। और इनको वहाँ पे ये राजीव गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, तो ये निशानेबाजी का इनको बहुत पहले से शौक था। और निशानेबाजी में एक टीम के साथ साथ ये भी राष्ट्रीय लेवल पे कई पदक जीत चुके हैं। तो जब ये वहाँ एकेडमी पे प्रशिक्षण करते थे, जसपाल भी इनके साथ जाते थे, इस वजह से इनको भी मतलब उस लाइन में उनको देखा कि उसके अंदर बहुत हुनर है। हाँ। तो उसी हुनर के होते हुए ये लोग अभी ये कि अच्छा इन्होंने किया जसपाल इस लाइन। जब मसूरी 5वीं 6वीं पढ़ाई करने के बाद ये दिल्ली इन्होंने शिफ्ट किए थे, वहाँ पे हाईस्कूल इंटर की परीक्षा इन्होंने दिल्ली तुगलकाबाद से की है। हाँ, सेंट स्टीफन कॉलेज से की इन्होंने। अच्छा, राहुल गांधी भी इनके साथ पढ़ते थे। राहुल गांधी इनके साथ पढ़ते थे, इनके साथ। अच्छा, तो देखो इतने महान खेल जगत में इन्होंने इतना बड़ा नाम रोशन किया है, और हमारे क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का, और देश के साथ साथ विदेशों में भी आज जसपाल राणा को हर कोई शख्स जानता है, और खेल की दुनिया में तो एक अलग ही नाम है इनका। तो आज आपको कैसा लगता है जब एक छोटे से गांव से वो निकल के गए हैं? ये तो हमें बहुत प्राउड है, बड़ी खुशी होती है इस बात के लिए कि हमारे क्षेत्र का बच्चा, जिसने हमारे उत्तराखंड का नाम नहीं पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस बात का तो हमें बड़ा फख्र होता है कि ये बहुत ऐसी बात है कि मतलब ऐसा बच्चा निकला जो दुनिया के नक्शे पे इसका नाम।